हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं ऐसे कुछ 10-12 बेल वाले पौधे बताऊंगी जो 12 ही महीने फूल देते हैं। अगर आप उन बेल वाले पौधों को अच्छे से डेकोरेटिव करते हो, कहीं गेट पे चढ़ाते हो या ऐसे अपने टेरिस गार्डन में ही जुगाड़ करके अच्छे से उन्हें सही रास्ता देते हो, डेकोरेशन करते हो, तो बहुत ही खूबसूरत फैलती है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग भी करती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये रंगून क्रीपर, जिसे बोलते हैं मधुमालती। तो आप यकीन नहीं करोगे, ये मैंने नीचे टब में लगाई हुई है क्योंकि ज़मीन तो नहीं है, थोड़ी सी जगह है ज़मीन में तो नहीं लगा सकते हैं, तो मैंने टब नीचे रखा हुआ है, बड़े टब में लगाए है इसे। और आप देख सकते हो जैसे कि ज़मीन में होती तो ग्रो करती, उसी तरह से ये ऊपर टेरिस तक आई हुई है और टेरिस से भी ऊपर जाके ये दोबारा फ्लावरिंग कर रही है। तो देख सकते हो इधर से भी, तो आप इसे 50 या 60 रुपये में नर्सरी से ला सकते हो और अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फूल देती है ये बेल। उसके बाद आप देख सकते हो अलमंडा की भी, ये पीले कलर के जो फूल है इस, तो वाइन भी आती है, बेल भी आती है। मेरे पास है छोटी सी, पर वो साइड में है, तो जब बड़ी हो जाएगी अच्छे से तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद ये देखिए मोगरा की भी बेल होती है, और ये जो पौधा है ये मोगरा का बेल ही है। इसे मैं अच्छे से बड़े पॉट में लगाऊंगी तब ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और है मेरे पास ये देखिए, इधर ये टिकोमा वाइन है, टिकोमा की बेल, ऑरेंज कलर के फूल आते हैं इसमें। तो मेरे टेरिस पे ज़्यादा जगह न होने की वजह से जहाँ भी जुगाड़ जमता है मैं इन बेलों को चढ़ा देती हूँ। तो आप देख सकते हो अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है, और ऊपर ये छोटे टेरिस पे चढ़ चुकी है और ऊपर भी फ्लावरिंग कर रही है। तो टिकोमा की बहुत सारी बेलें हैं मेरे पास। तो ये देखिए, ये मोगरा की बेल है, ये भी ये ऊपर छोटे छत पे जा चुकी है। तो इधर से जगह कम थी, मैं जा नहीं पा रही थी पौधे के पास, बेल के पास, तो केयर नहीं कर पाई, नहीं तो बहुत अच्छे से ये भी फ्लावरिंग कर देता मोगरा की बेल। और ये टिकोमा की आप देख सकते हो अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। उसके बाद ये देख सकते हो आप, इसे बोलते हैं धनवर्जिया का पौधा है, इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं, और आप इसे बेल की तरह भी अपने गार्डन में सजा सकते हो। बहुत फास्ट ग्रोथ करती है और बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये पौधा होता है। अगर आप इसे बेल की तरह ऊपर चढ़ाते हो तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, तो बहुत ही खूबसूरत आपका टेरिस गार्डन दिखेगा। उसके बाद ये देखिए सफ़ेद गुलाब की बेल इस तरह से होती है, इसमें भी बंच में फ्लावरिंग होती है, और आप देख सकते हो कितना बड़ा मेरा पौधा हो चुका है। और इधर दिखाती हूँ मैं, बंच में इस तरह से ये देखिए इस साइड गए हुए हैं, तो इस तरह से बंच में खिलते हैं, और जब पूरी बेल फूलों से भर जाती है तो बहुत ही खूबसूरत होती है। आप इसे गेट में भी लगा सकते हो और अच्छे से इसे डेकोरेटिव कर सकते हो अपने गेट को, या फिर आप अपने टेरिस को भी। तो आप इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये कटिंग से भी लग जाती है, मैंने ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ पौधा है, और ये मैंने बड़े टब में लगाया हुआ है। और ज़मीन में लगाते हो तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है, और बार बार रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और इसमें आप DAP और पोटैश भी डाल सकते हो जिससे फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। और ये देखिए चमेली का पौधा, ये मैंने दूसरे टब में लगाया हुआ है, तो आप चमेली की भी बेल लगा सकते हो, इसे भी डेकोरेटिव कर सकते हो। वाइट कलर के फूल आते हैं और बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं इसके। और इधर आप देखोगे एक ही टब में दूसरे साइड में मैंने जूही का पौधा लगाया हुआ है, जूही की बेल। तो ये देखिए फूलों से भर चुकी है जूही की बेल, तो इस तरह से मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है इसे। और ये ऐसे बेले हैं जिनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम वैसे ही गोबर की खाद और DAP और पोटैश डालते ही है, बस अगर आप टब में लगाते हो तो बड़े टब में लगाना, और रिपोर्टिंग के समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से आप जूही चमेली इसकी भी बेल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, अच्छे से डेकोरेटिव भी कर सकते हो। मेरे गार्डन में ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैंने जुगाड़ करके इधर उधर ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो
आप भी इन बेलों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ये भी 60 या 70 रुपए में मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं जिसे गार्लिक वाइन बोलते हैं, लहसुन बेल, तो ये इधर है, मैं आपको पास से नहीं दिखा सकती हूँ, तो इस दीवार के पास से मेरे पास बड़ी वाली गार्लिक वाइन थी तो मैंने उसे निकाल के फेंक दिया। ये देखिए ये गार्लिक वाइन, इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं, फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें फूल आना। तो आप इन सब बेलों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत ही खूबसूरत फूल वाली बेलें हैं ये, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी।